यार दिन दिहाड़े डर लग रहा है हमें इस जगह पे। और सोचो रात को क्या सीन होगा। रात को बहुत डर लगता है इस जगह पे, और इधर गलियों में गाइस से गुजरने को दिल नहीं करता, इतना डर लगता है। हेलो गाइस, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और गाइस आज हम लोग फिर से जा रहे हैं भाई साहब क्रिकेट देखने। तो भी देखते हैं यार, क्रिकेट देखने जाते हैं क्योंकि अभी काफी टाइम पड़ा हुआ है। और क्या बोल रहे थे तुम लोग? ये क्या आया था कि ना, हाँ किसकी तस्वीर खींचूं? इसकी तस्वीर खिंचवानी है। पहले हाथ मिला, कैसा है, क्या नाम है? इस्माइल। और आप इधर से रहे हो? मस्जिद से। तुम सब लोग स्कूल भी पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो? मैं प्रेप, ये प्ले, ये नर्सरी। अच्छा, प्ले नर्सरी प्रेप है ना, ऐसे ही होता है ना गाइस, पहले प्ले फिर नर्सरी फिर प्रेप। तो गाइस अभी देखते हैं, बच्चे बोल रहे थे हमारे पिक्चर्स बनाओ, और ये ज़रा जो ना आप लोग इधर चलते हैं ज़रा आज व्लॉग बनाने इस साइड पे, मैच को फिर देखेंगे। अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, आप सब लोग डर जाओगे गाइस देख के। ये देखो गाइस, इधर हमने कुछ दिन पहले इस जगह पे जो ना इंसानी हड्डियाँ देखी थी आपको पता है, और आपको मैं दिखाता हूँ, शायद पड़ी हूँ क्योंकि बहुत डेंजरस सीन है इधर देख रहे हो, और साइड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जगह है गाइस, और इधर इंसानी हड्डियाँ पड़ी हुई थी, और आपको मैं दिखाता हूँ किधर पड़ी हुई थी। दुआ करो क्योंकि घास वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो इसीलिए जो ना नज़र शायद आए या ना। ये देखो। हेलो गाइस, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? आज का व्लॉग करते हैं शुरू गाइस। और आज हम लोग आ गए हैं भाई साहब एक कब्रिस्तान है उधर, और आपको एक चीज़ दिखाते हैं इधर गाइस। यार इस साइड पर कहीं पड़ी हुई थी, आपको मैं दिखाता हूँ, रुको, दुआ करो आ जाए नज़र। और मुझे पक्का पता है गाइस, वे सीधी सीधी बताओ, वो इंसान की हड्डी थी ना, इंसान की हड्डी थी ना वो, पता नहीं कैसे गाइस बाहर आ गई हैं, मुझे खुद समझ नहीं आई, आपको मैं दिखाता हूँ, दुआ करो मिल जाए ज़रा। इस जगह पे गाइस पड़ी हुई थी, देख रहे हो इस जगह पे, और अब पता नहीं किधर चले गई हैं। घास इस जगह पे देख रहे हो ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए नज़र नहीं आ रही। सो गाइस यार अभी हम लोग हड्डियाँ वगैरह ढूंढ रहे हैं, और हड्डियाँ मिल नहीं रही, पता नहीं किधर चले गई हैं गाइस। सो आगे देखते हैं, शायद इस जगह पे ना हो, क्योंकि जिस दिन हमने देखी थी ना हम गुजर रहे थे, तो उस दिन गाइस व्लॉग मैं नहीं बना सका, इतना मैं डर गया था, और अभी शायद मिल जाए गाइस। गाइस आपको एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, क्या चीज़ है? नींबू। नींबू गाइस, ये जादू वगैरह अल्लाह माफ़ करे, वो देख रहे हो सामने ब्लैक दुपट्टा पड़ा हुआ है, जो ये कोई हो सकता है सीन इधर, लेकिन बहरहाल ये सीन है गाइस, देख रहे हो ये सब कब्रें, ये कब्रों के ऊपर घास उग गया, और इस साइड से आते हैं हम लोग। ये देखो ये, और लड़के भी आ रहे हैं साइड पे। ये देखो भाई साहब, सुनाओ कैसे हो? हाँ अभी कैसा है, ठीक है? और क्या हाल है, ठीक हो? किधर से आए हो? घर से। घर से आ रहे हो? हम जरा आए हुए थे इधर, एक यार बंदे की हड्डियाँ नजर आई हैं हमें। किस जगह पे? इस जगह पे घास हो गया, वो छुप गई हैं नीचे। हमें अभी दिखा दो थोड़ी सी। यार हम वो ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही, अभी देखते हैं किधर है। यार कसम से हमने देखी थी सच में, मजाक से हट के। हाँ ये गाइस ये सारी नीचे कब्रें हैं, अभी तो लेवल हो गया ना, बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा आती है इसीलिए। तो इस जगह पे थी, इस जगह पे यार पड़ी हुई थी ये जो गाइस, ये जो पसलियाँ होती हैं ना हमारी, ये वाजे तौर पे नज़र आ रही थी बिल्कुल। तो अभी तो घास उग गया ऊपर, तो नज़र नहीं आ रही, पता नहीं क्या सीन है यार। तो गाइस यार हड्डियाँ तो हमें नहीं मिल सकी, तो आपको मतलब थोड़ी जो पुरानी कब्रें हैं ना उनका ज़रा आपको विज़िट करवाते हैं। ये देखो ये भी बहुत पुरानी कब्र है, और गाइस आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ यार, ये सब कब्रें हैं यार, ये नीचे कब्रें हैं, हम उनके ऊपर तो नहीं आगे कहीं। ये गाइस ये देखो, देख रहे हो अभी भी, क्या कह सकते हैं यार, देखिए ये देखिए हमने देखी है ये, और ये तो छोटी है ना, तो एक पूरा ढांचा पड़ा हुआ था यार, हमने उस जगह देखा, घास आ गया नज़र नहीं आ रहा, बारिश की वजह से छुप गया होगा। छुप गया होगा, हाँ यही बात है गाइस, इतना डेंजरस सीन है ना, सबके मुंह देखो खौफ की वजह से कैसे बन गए हैं। सो देखते हैं अभी क्या सीन है उधर गाइस, बारिश की वजह से ये बहुत रेत इसके ऊपर आ गया, इसलिए ढांचा छुप गया ढांचा। तो गाइस अभी देखते हैं। तो गाइस ये देखो जो आपको मैं आगे दिखा रहा था ना सीन, ये हम ज़्यादा पास तो नहीं जाएंगे भाई साहब, और ये देखो गाइस
ये काली चादर आप, ये इसके अंदर मुझे लग रहा है कोई क्या चीज़ है इसके अंदर, क्या चीज़ है? अंडा। गाय ओ यार, तोड़ना वगैरह नहीं है ना, किस चीज़ को हाथ लगाना है। और गाइज ये देखो कैसे कब्र बैठ गई है, देख। हाँ आ जाओ इधर से, ज़रा ख्याल से आना सब लोग। सो गाइज आपको चीज़ दिखाते हैं। अच्छा तू क्या बोल रहा था आगे, वो क्या था? इस कब्र को जुमेरात की जुमेरात, हर दिन हर जुमेरात की जुमेरात आग लग जाती है। आग लग जाती है ये, और इस वजह से इन्होंने ये काला कपड़े में अंडा डाल के रखा हुआ। ओए होए, तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। सो गाइस ये देखो यार, एक ये कब्र है और इसकी हालत चेक करो कैसी हो गई है, तौबा। और ये भी गाइस कब्र है, अंदर सुराख हो गए हैं। और ये सब भी गाइस अभी फ्रेश कब्रें हैं, देख रहे हो। और ये क्या सीन है यार, बचो इधर ख्याल से। ये देखो गाइस, ये भी सीन है। और गाइस वो आगे, ये देखो गाइस, तौबा तौबा, ये देखो ये सीन है कब्र का भाई साहब, तौबा अल्लाह माफ़ करे। सो भाई साहब देख रहे हो। सो गाइस यार अभी आपको मैंने दिखाया, आपको एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। भाई साहब नीचे ख्याल से चलना क्योंकि डेंजरस जोन है इस जगह पे। और गाइस ये देखो यार, ये कब्र है। और ये देखो दीवे वगैरह लगाए हुए हैं लोगों ने, देख रहे हो ये सी। और तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे। ये देखो गाइस आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो कब्र के अंदर सुराख है गाइस। तौबा क्या इतने ही आप सबको दिखा सकता हूँ। और आगे गाइस मैं नहीं जा सकता ज़्यादा क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस सीन है इस जगह पे, देख रहे हो। और ये भी कब्र है, ख्याल से कब्रों के ऊपर नहीं जाना ख्याल से। मैं दिखाता हूँ, ये देखो गाइस ये चीज़ है, ये देख रहे हो। बस आ जाओ इस साइड से भी चलते हैं आगे। सो गाइस अभी थोड़ा आगे चलते हैं, आगे का देखते हैं क्या सीन है। कसम से गाइस कब्र के अंदर सुराख हुआ हुआ है, वो पता नहीं अब किसने किया है, अल्लाह जानता है। बहरहाल जिन जिन की इधर कब्रें हैं उनके घर वालों को आके इनकी मतलब केयर वगैरह करनी चाहिए क्योंकि ख़राब हो रही हैं। तो एक ही तो निशानी होती है बंदे की यार, और वो भी ऐसे ख़राब हो जाए तो अच्छी बात तो नहीं है ये। तो गाइज़ अभी आगे चलते हैं हम लोग। सो गाइज़ ये देखो, ये सीन है ना भाई साहब, बारिशों की वजह से हर साइड पे हरियाली हो गई है और कोई समझ नहीं आ रही कब्रें हैं किस साइड पे, देख रहे हो भाई साहब। ये देखो कुछ गिनी चुनी हुई मतलब कि कब्रें हैं जो मतलब सेट हैं इस टाइम तक, देख रहे हो ये सामने। और क्या चीज़, और इस जगह पे मेरे दादा की कब्र थी, वो भी गुम हो गया, पता नहीं चल रहा कौन सी। अच्छा तो जाहिर सी बात है, अब इतनी हरियाली है तो मिलनी नहीं है तुझे। तो भाई साहब कब्रस्तान का ख्याल रखना चाहिए हर किसी को, के नहीं यार, सबके सब ने हम लोगों ने भी इधर ही आना है के नहीं भाई। तो इनका भाई साहब अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए सबको। और इधर आते हैं ज़रा, आपको दिखाते हैं इस साइड पर क्या सीन है। ये भी फ्रेश कब्र है ख्याल से यार। ये देखो इधर आओ सब लोग, इधर आओ जल्दी आओ गाइस। ये देखो ये भी कोई दुपट्टा पड़ा हुआ है गाइस, देख रहे हो। ये भी कोई डेंजरस सीन लग रहा है, देखो यार। और इस साइड से आपको दिखाते हैं ज़रा, ये देखो गाइस, ये वही जगह है वहाँ जहाँ मतलब के बोल रहा था ना कि हर जुमेरात के जुमेरात आग लग जाती है। अच्छा तो इसीलिए इन्होंने ये सेट किया, और इसकी वजह से इन्होंने अंडा लगा दम करके अंडा रख दिया। और पता चलता है कि इसको कोई अंडा तोड़े तो आग लगनी दोबारा शुरू हो जाएगी। अच्छा ये सीन है भाई साहब, आपने सुना ना लड़के के जुबानी के, ये सीन है भाई साहब। तो गाइस चैनल पे जो जो न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यार कोई समझ नहीं आ रही कैसे उनसे इस टाइम क्या हो रहा है हमारे साथ, बस आगे हैं आज गलती से इधर, तो अभी तक कोई समझ नहीं आ रहा। और गाइस यार ये देखो, ये कब्र देखो ऊपर मतलब आगे, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे तो यार। और ये ठीक है, चलो इन्होंने कांटे वगैरह ऊपर रखे हुए हैं ना ताकि कोई भी चीज़ इसके ऊपर ना जा सके, ऐ ठीक ही तक हम इन्होंने ना। सो गाइस अभी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या सीन है इधर। और गाइस जो जो चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बहुत बहुत गाइस आपका शुक्रिया यार, आप लोगों ने 300 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट कर दिए हैं।
और गाइज अभी आगे चलते हैं, आगे का देखते हैं भाई सब क्या प्रोग्राम है। गाइज ये देखो यार, ये कोई इनका क्या सीन है यार, ये देखो साथ में कब्रें हैं, तो उनमें दो कब्रें हैं। ये दो भाई जुड़वा, इनका एक्सीडेंट बहुत गंदा हुआ था। अच्छा, और ट्रक के नीचे आ गए थे दफन कर दिया गया था। अच्छा ये सीन है, मुझे ज़्यादा नहीं पता तो इसलिए इसे पूछ रहा था। सो गाइस अल्लाह माफ़ करे। और ये भी कब्र है क्या? नहीं, हाँ ये भी है ना, लग तो कब्र रही है यार। यही कब्र, ये भी कब्र है, कब्र ही पता नहीं किसकी, अल्लाह इसको जन्नत में। बिल्कुल यार। और गाइस कुछ समझ नहीं आ रही किधर कब्रें हैं किधर कब्रें नहीं है, हालत कब्रिस्तान की आप। हम पता नहीं कहाँ कैसे चल रहे हैं इस जगह पे, इतना डर लग रहा है। डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कसम खुदा की तू दास लग रहे हैं ना। और गाइस अभी है भी दिन, लेकिन फिर भी जो ना गाइस देख रहे हो यार, दिन दिहाड़े डर लग रहे हैं हमें इस जगह पे। और सोचो रात को क्या सीन होगा, रात को बहुत डर लगता है इस जगह पे। और इधर गाइस से गुजरने को दिल नहीं करता, इतना डर लगता है। अच्छा ऐसे ये लगता जो है कोई उठ के निकलने लगे, हमें पकड़ने लगे। अच्छा ये सीन लड़के को भाई सब लगता है कि उठ के कोई हमारे पीछे लगने लगे, शायद गाइस हो, क्योंकि आपको पता है जैसे मतलब जादू वगैरह इधर अंडे वगैरह इन्होंने बांधे हुए हैं, तो कोई पता थोड़ी चलता है क्या हो जाए। तो गाइस ये देखो, ये भी एक रास्ता है इधर कब्रिस्तान का भाई, सब हो जाता है एंड। बिल्कुल ये दीवार है, बाउंड्री है इसकी। और इस जगह पे देखो ये सीन चेक करो भाई साहब। गाइस ये देखो यार, ये बारिशों की वजह से ना, और ख्याल से आना इधर, क्योंकि ये सारी जगह देख रहे हो गाइस, ये देखो इधर बहुत गंदा खड्डा था। बिल्कुल ये सारी ये खड्डा ही है, इधर से एक बंदा भी फोत हुआ है। कैसे? इधर से गिरा था, नीचे नीचे पत्थर पड़े थे। अच्छा। और वो दस्ती उधर ही फोत हो गया। ओए ओए। पता नहीं उसके ऊपर से लिख क्या हुई थी, कोई पता नहीं ऐसे बेचारा इधर से पैर। अच्छा इस जिधर ये बैठा है इधर से गिरा था, इधर से बंदा बन जा थोड़ा सीधा होके बैठ। और गाइज ये देखो ख्याल से, क्योंकि ये अंदर क्या है गाइज ये देखो, ये दीवार गिरने का मसला है, दीवार भी गिर सकती है। मैं थोड़ा नीचे जाके दिखाता हूँ गाइज आपको। ख्याल से ये देखो, ये सीन है भाई सब इधर का। और ये सारा डेंजरस जोन है, बिल्कुल देख रहे हो कैसे है, ये मिट्टी पड़ी हुई है। थोड़ा मैं आगे जाके दिखाता हूँ आपको, रास्ता ही नहीं है यार उतरने का। और सांप वगैरह को भी ख्याल रखना भाई साहब। ये देखो ये सुरंगें बनी हुई हैं, देख रहे हो गाइस, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये सुरंग है, पता नहीं किस चीज़ की है भाई साहब, ये भी हो सकता है। ये देखो गाइस, ये मैं जा रहा हूँ इस पहाड़ के ऊपर तो पहाड़ियाँ ना भाई साहब, जो ओखा हो रहा हूँ चढ़ते हुए। बहुत बड़े पहाड़, ये देखो इधर बहुत हैवी खड्डा है ना, ये देख रहे हो गाइस। ये बारिश बारिश इधर इतनी होती है, तला से भी बड़ा अच्छा, बन अच्छा ये भर जाता है पूरा, किनारों किनारों तक चला जाता है। अच्छा ऊपर ऊपर तक गाइस देखो कितना नीचे है, और बोल रहे ऊपर ऊपर तक भर जाता है ये सारा। और बच्चे इसमें इस पानी में बारिश की वजह से बहुत बच्चे भी मरे हैं। अच्छा बहुत हुए हैं जी। लड़का तो बहुत ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है, सभी इधर जाते हैं। ख्याल से मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ ज़रा, ख्याल से है ना तुम लोग भी। ये देखो गाइस अभी थोड़ा मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखो यार, ये भी जगह टूटी हुई है, देख रहे हो। अभी थोड़ा सा मैं नीचे उतर के दिखाता हूँ। ओए ख्याल से ये देखो गाइस, इसको ये देखो मार जरा। ये देखो लड़के के काम ख्याल से इतने मेरे में इतना जोर आ गया, वाह जी वाह, जोर से आते रहे। और गाइस ओए ख्याल से, और ये जो कब्रिस्तान में दरख्त हैं ये सब उन्हीं की शाखें आई हुई हैं, देख रहे हो गाइस। ये सीन है भाई साहब, इधर से अभी हम लोग जाते हैं ऊपर। ओए गिरने लगे थे यार, गिरने लगा था ख्याल से, मैं ना कहीं गिर जाऊं, बच गया भाई। ख्याल से हो गाइस, अभी ऊपर चलते हैं हम लोग वापस भाई साहब। देखे आप तो गाइस ये सीन है ना। अच्छा तू केड़ी गल दस रहा सा मेनू? मैं कहन दा के चन्योट दी गल आ, उत्ते पूरी फैमिली कब्रिस्तान दे दरमियान। अच्छा पूरी फैमिली जेड़ी कब्रिस्तान विच रहंदी है, घर है उन्हां दे उत्ते, घर उन्हां नु घर बाहर है नहीं, आ ओथे कब्रिस्तान दे बचाले रहंदे। अच्छा ते होर उन्हां दा
ਹੋਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸਫਾਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ ਲੜਕੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਹੈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਉਨਕਾ ਹੱਕ ਬਣਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗਾਇਜ਼ इधर भी हम सब नहीं आने हमारा भी हक बनता है इसको यार साफ़ करने का लेकिन बस वही बात आ जाती है ना फिर एक बंदे का काम तो नहीं है इसको सफाई करना ना देख रहे हो ये कैसे ये सारा हरियाली हो गई है हरियाली तो ठीक है लेकिन जो कचरा वगैरह और ये जो जादू टूना वगैरह है कब्रों की केयर नहीं होती ये सब चीज़ें ख़राब है नहीं तो वैसे कब्रस्तान से ज़्यादा सुकून दे चीज़ कहीं भी नहीं है ये बात मानते हो कि नहीं मानते कोई ऐसी गैर मखलूक इस जगह पर नहीं है ये सिर्फ हमारे खौफ है और कुछ भी नहीं है गाइस और कोई इधर मखलूक नहीं रहती बा हमने इधर हाँ मैं तो जिंदा बंदे से हम नहीं डरते और मुर्दे से हम डरते हैं कि उठ के ना आ जाए सुबह सब ये सीने में चलते हैं हम थोड़ा आगे तो देखते हैं क्या सीन बैठा गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं आगे तो ठीक है यार फिर मिलते हैं ओके हो गया ठीक है भाई ओके हो गया चलो आ जाओ यार गाइस अभी हम लोग चलते हैं आगे भाई तो भाई साहब अभी हम लोग जा रहे हैं यार घर तुम्हें तो नहीं डर वगैरह लगा कोई डरने की ज़्यादा बात नहीं है यार सिर्फ इधर कोई कुछ भी नहीं है इधर गए सिर्फ इधर यही सीन है कि मतलब जैसे कब्रों की हालत हो भी पड़ी है ना उन चीज़ों को देख के सिर्फ डर लगता है और कुछ भी इसमें नहीं है कोई बंदा कहना कि कोई जिन्न है या कुछ भी कोई ऐसा मसला नहीं है सिर्फ ये आपको बताया ना जैसे मतलब कब्रें टूटी हुई हैं और अंदर सुराख हैं कब्रों के उन चीज़ों को देख के सिर्फ ये सब डर लगता है और बकाया कोई ऐसी वैसी बात नहीं है डरने की अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं वापस और ये रास्ता है भाई साहब और वाकई यार कोई समझ नहीं आ रही किधर कब्रें हैं किस जगह पे नहीं है क्योंकि घास इतना ज़्यादा है तो कोई समझ नहीं आ रही इस जगह पे देख रहे हो गाइस यार अभी हम लोग भाई साहब आ गए हैं कब्रस्तान से बाहर और अभी गाइस चलते हैं इस साइड पर घर वाली साइड पर तो गाइस अभी जा रहे हैं तो भाई साहब अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर को ये गली है गाइस देख रहे हो और तुम्हें कोई ज़्यादा मसला लग रहा है ना सीधे इस तरह क्यों नहीं टोड़ दे और ये देखो ये कुत्ता भी भाई साहब गया हुआ है अंदर देख रहे हो ओए ओए पै ना जाए उस्ताद ख्याल ना सो भाई साहब आगे हम लोग अभी जा रहे हैं ये तो गाइस अभी हम लोग भाई साहब आ गए हैं घर के पास और ठीक है फिर सुबह मिलते हैं सुबह जाएंगे ट्वेल्व पे ठीक है सुबह 12 बजे आ जाना ठीक है हाँ जाएंगे सुबह टाइम से ना आना थोड़ा लेट आना ठीक है मानी कितों आ रहे हैं सुना भी मानी कामा बच्चा बन गया इतने खैर तो है रिश्ते रुश्ते कराने के चक्कर च नहीं गा कामा बन गया मैं कह रहा हूँ चेक करो ये इसी पानी में से जा रहे हैं हम लोग ठीक है ये इस कोई सोचो ये बारे से यार की गंदा है कसम खुदा दे पानी वेख थले सो भाई साहब यही सीन है अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं वापस घर घर के पास पहुंच गए हैं और ये है मीठा शहजादा ऐना कर यार मोहब्बत है तेरे ना मिल कैसा ठीक है सो भाई साहब अभी जा रहे हैं हम लोग घर तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो सब लोग और वीडियोस को लाइक भी किया करो ठीक है गाइस चलो फिर आज के लिए इतना ही है और मैं गाइस हक बहुत ज़्यादा गया हूँ फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाबा लव यू गाइस।